तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इफ्तिखार भाई के पास। इफ्तिखार भाई हमारे कारीगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इफ्तिखार भाई? यार इनको गत्ते दिखाना, नौ गत्ते पड़े हैं अभी हाजिर में। तो ये रजाइयां हमने ले ली हैं, ये हमारे पैनल्स में फिलिंग के काम आएंगी। 400 रुपए गज है ये। कितना हर्जाना हो गया हमारा? 4180 रुपए। अच्छा प्रॉपर टाइट पेंट है ये, एकदम बेस्ट सर। आपको ये 5435 यार। जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कॉस्ट आई हमारी 5435। ये चौड़ा पीस है, इसके दो बनेंगे मेरे ख्याल से। दो बनेंगे जी, 3.5 इंच का बनेगा ये। हाँ। दो पीस बनेंगे जरूर। एक अच्छे से ख्वाहिश थी मेरी कि घर में स्टूडियो होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट 4 डेज इंशाल्लाह इस कमरे की शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी एंड वील ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ रनिंग स्टूडियो। तो बेसिकली अगर आप खुद घर में स्टूडियो बनाना चाहते हैं और ये सब काम खुद करना चाहते हैं तो ये तरतीब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेजरमेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वंस यू हैव दैट डाउन यू कैन ईजली मेक इट ऑन योर ओन, प्रोवाइडेड थोड़ी सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे 9 के 9 पैनल तैयार हो गए। काला या ब्राउन, क्वालिटी अच्छी चाहिए। ये अच्छा है सर जी, बुरा नहीं। ये हो गया जी 3530 रुपये का हमारा इलेक्ट्रिकल सामान। फाइनली इन द फाइनल स्टेजेस रैक्स लग रहे हैं और ये रैक भी हमने उसी लकड़ी से निकाले हैं जिस लकड़ी से टेबल बनाया, उसी ट्रंक में से निकले हुए हैं। सो वी डिडंट वांट टू वेस्ट देम। 4 पीसेज हैं जिनको हम स्टेप्स में लगाएंगे। इफ्तिखार भाई को एक बार फिर जहमत दिए, काफ़ी टाइम गुजर गया है। Here it is, the final look of my home-based studio. इरादा तो बहुत जल्दी कंप्लीट करने का था इसको, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें टाइम लगाना ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस टेबल विच वी हैव इन द स्टूडियो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन सबसे पहले ये अकेशिया वुड लाइफ एज टेबल मैंने बनवाया, जिसमें बहुत टाइम लगा मुझे। इसके लिए हम हुसैनाबाद की वुड मार्केट भी गए थे। लेट्स हैव अ लुक वहाँ क्या हुआ था, देन वील शो यू दिस टेबल। ये गरीबाबाद की बंधानी कॉलोनी है, जहाँ पर एक साइड पे आपको यूज फर्नीचर भी मिलेगा और यहाँ पर आपको बेबहा लकड़ी भी मिलेगी। ये हैं सारे प्लैंक्स जो लॉक से कटे हुए हैं। ये हमारे बॉयज़ हैं जीशान और सुमेर। यार बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है यार। अरे वाह, जीशान का बाय द वे खुद अपना चिन्योट के फर्नीचर का काम है और एक अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं, बट बड़ी मोहब्बत से अपनी दुकान पर नहीं लेके गए, मुझे यहाँ कारखाने लेके आए ताकि मेरा थोड़ा सा ना बचत वाला सीन हो जाए। बेहतरीन है ये। बट इसमें एक चीज़ हमें ये देखनी है, ये आप देखो कि जब हम इसका ये चीज़ रिमूव करेंगे तो ये लाइक ये स्ट्रेट ये चीज़ आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेचुरल शेप में होगा, नेचुरल शेप में होगा। और बिल्कुल उसके जो एजेस हैं हमारे टॉप से वो भी नेचुरल शेप में ही रहेंगे। इसकी थोड़ी सी शेपिंग भी होगी साइड से और इसमें जो ये आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं इसमें फिलिंग भी होगी। नेचुरल है ये और जितना नेचुरल होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये स्टूडियो में। सो हुसैनाबाद जाने का फ़ायदा हुआ और आई थिंक जीशान अगर नहीं होते तो इतना खूबसूरत टेबल शायद मैं नहीं बना पाता। हाउएवर अगर आप अब बनाना चाहते हैं तो जीशान की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। आप कीकर की इस लकड़ी का ये लाइव एज टेबल अपने लिए भी कस्टमाइज़ बना सकते हैं अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से।
मेरा बस चले तो मैं स्टेबल से आगे ना पढ़ूँ, बट इस स्टूडियो में सारी चीज़ें इतनी मोहब्बत से बनाई गई हैं, जस्ट लाइक दिस पेंटिंग। ये आपको याद होगा एक स्टोरी की थी मैंने फ़ानून आर्ट्स पे, वहाँ पर साकिब शाह ने ये पेंटिंग मुझे बहुत मोहब्बत से गिफ्ट में दी थी, सो आई हैड टू पुट इन द स्टूडियो। सो अलॉन्ग विद द टेबल द रैक रियली वर्कड आउट। आई डिडन्ट थिंक कि ये इतना अच्छा लगेगा, but it looks really nice in my opinion. ye usi tree trunk ke corners ko lekar banaya gaya hai and I like it. coming to the accessories that we have here, again ye main is pe zyada dimaghi nahi hona chahta tha because ye wo cheeze hain jo ke change hoti rahengi, customizable hoga ye studio aur I love this bike so I couldn't help myself and I had to get it. सो एज़ आई सेड रैक्स पे जो चीज़ें हैं वो मूवेबल हैं और उसी तरह ये पॉट्स भी रखे हैं मैंने, आई कैन मूव देम, आई कैन कीप सम अदर प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम डूइंग। साथ साथ ये एक और एक्सेसरी भी हमने ली, इट्स रियली रियली नाइस, इट्स अ मेटल फिगर प्लेइंग अ ट्रम्पेट, आई लाइक इट। बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा ये, ज़्यादा नज़र नहीं आएगा बट आई लाइक इट। एक जगह भी खाली है एंड वी विल बी फिलिंग इट वेरी सून। सो दिस इज़ हाउ द स्टूडियो टर्नड आउट। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी, फिर मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। वैसे मैंने बता दिया, मैं अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता, आगे चल के स्टूडियो में बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके पता चलता जाएगा आपको। फॉर नाउ नोमैड आउट।